Hello everyone, welcome back to Itakshila classes. This is Vishal Singh Tanwar and today I am taking the topic of hill ranges of peninsular India. Now this topic is of very much importance for the paper of CDS, CAPF and AFCAT. This is an important topic because हर बार पेपर में आपके इससे क्वेश्चन रहता ही है, दो तीन, कई बार तो मतलब CAPF में भी आपके दो या तीन क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, ठीक है। AFCAT में आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस रेंज के साथ यहाँ कौन सा आपका कौन सा घाट कनेक्ट होगा या फिर आपकी कौन सी हिल रेंज कहाँ पड़ती है, किस स्टेट में है, बहुत ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अच्छे से पढ़ना इसको। सो ऑल्सो डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू इट इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ कंटिन्यूस फीड ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टडी मटीरियल। Do like and share and subscribe to Itakshila classes. तो आज का हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। नाउ सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। नाउ व्हाट आर द हिल रेंजेस? मोस्ट ऑफ द हिल रेंजेस इन द पेनिनसुलर रीजन आर रेसिडुअल हिल्स, पहली बात तो ठीक है। दे आर द रेमिनेंट्स ऑफ द हिल्स एंड हॉर्स फाउंड मैनी मिलियन ईयर्स अगो। सो बेसिकली जो हिल रेंजेस है ना हमारी ये वाली साउथ इंडिया की, जो पेनिनसुलर पार्ट की है, ये बची कुछ ही हैं, ठीक है। ये फोल्ड माउंटेंस की तरह फॉर्म नहीं हुई, बेसिकली ब्लॉक माउंटेंस थे, अपलिफ्टेड ब्लॉक्स थे, ठीक है। उनके बाद जो टेक्टोनिक कन्वर्जन्स हुई, जो भी हुआ, उसके बाद ये रेमिनेंट है जो बचे हुए हैं, ठीक है। ये क्लियर। द प्लेटोज ऑफ द पेनिनसुलर रीजन आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय दीज हिल रेंजेस एंड वेरियस रिवर वैलीज। सो बेसिकली अब जो ब्लॉक्स हैं ये एक दूसरे से डिवाइडेड कैसे हैं? हिल रेंजेस से और रिवर वैली से। अब बेसिकली ऐसे जो डेक्कन ट्रैप है वो आपका एक ब्लॉक बन जाता है, उसके बाद सदर्न पेनिनसुला है वो एक ब्लॉक बन जाता है, नॉर्दर्न पेनिनसुला एक ब्लॉक, एंड वेरियस जो छोटे माइनर ब्लॉक्स बीच में हैं वो सारे इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। वो भी हम सारे अच्छी तरह डिस्कस करेंगे इसके भी आगे। सो क्लियर अबाउट दिस। सो आगे चलते हैं हिल रेंजेस पे। नाउ बेसिकली देर आर फाइव मेजर हिल रेंजेस फॉर द पेनिनसुलर इंडिया। दो अरावली रेंज इज इन नॉर्दर्न प्लेन बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर, इट इज़ इन द पेनिनसुलर रीजन, सॉरी इट इज़ इन द पेनिनसुलर सेक्शन। आपको पता ही होगा ये नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन है इसकी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। देन सेकेंड इज़ विंध्या रेंज, देन इज़ सतपुरा रेंज, ये आपके मध्य प्रदेश के पास पड़ती हैं। देन वेस्टर्न घाट्स, इधर आपका वेस्टर्न पेनिनसुला, और ये ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न पेनिनसुला। नाउ दीज आर द फाइव मेजर कैटेगरीज ऑफ हिल रेंजेज ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। सो लेट्स डू देम वन बाय वन ईच एट अ टाइम, ठीक है। हर एक की स्पेशलिटी बताऊंगा आगे, तो उसमें चीज़ें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अब हिल रेंजेस के बारे में। अभी जो राइट वाला मैप है इसमें देखेंगे आप हिल रेंजेस, ये अरावली रेंज आ गई आपकी, इसके बाद ये ईस्ट वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, विंध्या, सतपुरा। अब ये तो होगी मेजॉरिटी। अब ये जैसे गारो और खासी हिल्स हैं यहाँ पे, अब ये हो गए मेजर मेजर हिल्स सारे। अब ये होता है, ये तो सबने देखा हुआ है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? अब जैसे आपको इसमें ये पता चलेगा कि इसमें जैसे अब आपकी जो विंध्या रेंज है, ठीक है, या सतपुरा रेंज है, ये आगे जाके कौन से माउंटेन्स के साथ कंटिन्यू होती है, ठीक है, कौन सी रिफ्ट वैली है, कहाँ रिफ्ट वैलीज़ हैं, कहाँ पे कौन से घाट पड़ते हैं, यहाँ पे कौन से हिल्स हैं नीचे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। दो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट जो मेजर वाले हैं वो मैं आपको बताऊँगा इसमें सारे। तो चलते आराम से, ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम अरावली रेंज की। तो भाई देखो सीधी सी बात है, दे आर अलाइंड इन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मैंने आपको बताया। दे रन फॉर अबाउट 800 किलोमीटर्स, ये आपको याद नहीं रखना है कितना उनका डिस्टेंस है, ठीक है। इट्स सिंपली दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इन द आर्कियन एरा। ये कौन से एरा में फॉर्म हुए थे? आर्कियन एरा में फॉर्म हुए थे, ठीक है। इट्स समिट्स वर नरिशिंग ग्लेशियर्स एंड सेवरल समिट्स वर, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी वैसे जनरल नॉलेज के लिए बात है। बेसिक पार्ट ये है, दे आर रेलिकेट, दे आर रेमिनेंट्स आफ्टर सीवियर वेदरिंग, और दे कंटिन्यू अप टू हरिद्वार बरेड अंडर द एलुवियल ऑफ द गंगा प्लेन्स। नाउ एट द साउथ वेस्ट एक्सट्रीमिटी द रेंज राइजेस टू ओवर 1000 किलोमीटर, हेयर माउंट आबू अ स्मॉल हिली ब्लॉक इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रेंज बाय द वैली ऑफ बनास। कौन सी वैली से? बनास वैली से सेपरेट होता है, मतलब ऐसे आपकी रेंज आ रही है, यहाँ पे वैली आ जाएगी एक बड़ी वैली, और फिर यहाँ पे माउंट आबू है जो गुरु शिखर है, इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। दो माउंट आबू बोला जाता है, माउंट आबू पूरा रीजन है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। तो याद रखनी है ये चीज़, इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है अरावली रेंज में सबसे ज़्यादा, ठीक है। एक तो इसकी ओरिएंटेशन,
क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन इसकी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फिर मानसून का भी इफेक्ट इसमें आता है। दूसरी बात, इसमें गुरु शिखर याद रखना, हाईएस्ट पीक कौन सी और रीजन कौन सा पड़ता है, माउंट आबू। तो इतना आ गया समझ। अब ये देख लेते, ये हमारी है अरावली रेंज, तो इसमें आ जाती है। अब इसमें यहाँ पे ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे राजस्थान में आके इधर आता है अब आपका माउंट आबू, ठीक है। ये आ गया माउंट आबू, तो माउंट आबू में यही गुरु शिखर एक पीक है। तो ये आपका हाईएस्ट पीक और उसका रीजन अरावली में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला। ओरिएंटेशन आपने देख लिया, अब इसकी ओरिएंटेशन का फ़र्क क्या पड़ता है, मानसून विंड्स आती हैं ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली बाकी जो रीजन है वो तो जैसे यहाँ पे हिमालय से रुक जाती है, यहाँ पे टकरा के वापस आती है, बट जब वापस आती होती है ना तो यहाँ ऐसे रोकने के लिए कोई रेंज नहीं होती, इसलिए राजस्थान सारा ड्राई रह जाता है, ठीक है। तो ये इसका आपका ज्योग्राफिकल जो पोजीशन का सिस्टम है वो आपको पता होगा, बेसिकली बहुत कॉमन बात है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी। नेक्स्ट आते हैं हमारी विंध्यन रेंज के ऊपर, ठीक है। इट रन्स मोर और लेस पैरेलल टू नर्मदा वैली, नर्मदा जहाँ बहती है, नर्मदा के पैरेलल चलती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द विंध्यन रेंज आर कम्पोज ऑफ हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंटरी रॉक्स। ये चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि जो विंध्यन रेंज है ना वो सेडिमेंटरी रॉक से फॉर्म होती है, ठीक है। ये बस थोड़ा बात याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आया होता है कि व्हाट आर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टेंट प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ द विंध्यन रेंज, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि आपको कुछ दो वो फैक्टर्स दे देंगे कि इज़ अ रिफ्ट वैली एंड इज़ ऑल्सो ए सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम, तो फिर उसको आपको बताना होगा कौन सी वैली या कौन सी रेंज पड़ती है। तो ये चीज़ याद रखनी है, सेडिमेंट्री रॉक्स की है, ठीक है। ये जो विंध्या रेंज है वो आगे कंटिन्यू होती है भरनर और कैमूर हिल्स में। अभी आपको मैप पे मैं दिखाऊंगा आगे कैसे कहाँ कंटिन्यू हो रही है। नाम याद रखना, भरनार और कैमूर, BK या KB याद रख लेना, ठीक है। KBC से हमारी सीरीज़ भी चलती है, तो कौन बनेगा कमांडर वाली, तो उसके ऊपर KBC से याद रख लेना। जो विंध्या है वो KB है, विंध्या का डाटा KB में है, ठीक है। कैमूर और भरनार, द रेंज एक्ट्स एज अ वाटरशेड बिटवीन द गंगा सिस्टम एंड द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। अब जो वाटरशेड होता है वो क्या होता है, जो वाटर डिवाइड को कहा जाता है, मतलब बेसिकली जैसे जो रिवर बेसन होता है उसको डिवाइड करता है कि हाँ ये रीजन इस वाले जो ये वाटर बेसन है ये उस रिवर का है और इससे इधर, मतलब एक तरह से वाटर डिवाइड आप समझ गए ना। तो वाटरशेड का काम करता है ये, क्यों, उससे ऊपर सारा गंगा का वो गंगा और यमुना का बेसन है, रिवर बेसन, ठीक है। फिर आपकी आ जाती है विंध्यन वैली, फिर इससे नीचे आपका नर्मदा स्टार्ट हो जाती है। आगे चलते थोड़ा, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपकी विंध्यन रेंज चल रही है, ठीक है। ये नर्मदा रिवर के पैरेलल ऐसे ऐसे चल रही है, ये आगे चल के ये रामगढ़ हिल्स में आती है और रामगढ़ हिल्स से यहाँ पे आ जाते हैं आपके कैमूर हिल्स, ये रे चलते चलते कैमूर हिल्स में आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली भरनार और कैमूर याद रखना है, मेजर तो यहाँ कैमूर हिल्स ही है। ये क्वेश्चन भी आया आपका एक बार CDS में कि व्हाट आर द कंटिन्यूशन ऑफ द विंध्या रेंज, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, रामगढ़ हिल्स था, ठीक है, गरजात हिल्स से कैमूर हिल था, तो बेसिकली आंसर क्या होना चाहिए था, कैमूर हिल्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है ना। अब उधर देख लेते हो, और यहाँ पे कौन से हैं, कैमूर हिल्स, बागलखंड और रामगढ़ हिल्स हैं, और सोन नदी यहाँ से बहती है, कहाँ से, सतपुरा रेंज के पास है, विंध्या के पास होकर निकलती है सोन, ये जा रही है आपकी, याद रखना। और कहाँ मिल रही है, गंगा में जाके। तो फिर इतना आपके लिए देख लेना मैप, आगे चलते हैं अब सतपुरा रेंज के ऊपर। सतपुरा रेंज इज अ सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, ठीक है। सत मीन 7 एंड पूरा मीन माउंटेन। इट रन्स इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन साउथ ऑफ द विंध्यास एंड इन द बिटवीन द नर्मदा एंड तापी, रफली पैरेलल टू दीज रिवर्स। तो इतना तो आपको ओरिएंटेशन इसकी आगे होगी समझना, जैसे ये सतपुरा रेंज है, बीच में नर्मदा बह रही है, और फिर यहाँ पे आपकी सत्ती आ जाएगी सतपुरा रेंज, ठीक है, और यहाँ पे आती है आपकी ताप्ती नदी, तो इन दोनों के बीच में होगी ताप्ती और इसके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं विंध्य और सतपुरा में, आपको ऐसे याद हो जाएगा, बट बाद में जब क्वेश्चन रहता है ना कि ऊपर कौन से नीचे कौन से, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो विंध्या ऊपर है, ठीक है, और सतपुरा नीचे है। VS याद रखना, इसका एक्रोनिम VS है, VS। द ताप्ती रिवर ऑरिजिनेट्स इन द मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन द सतपुरा रेंज। तो ताप्ती नदी हमारी कहाँ ऑरिजिनेट करती है, सतपुरा रेंज में, ठीक है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना, ज़्यादा
बस वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इससे कुछ। तापी नदी सतपुरा रेंज में ओरिजिनेट करती है। धूपगढ़ नियर पंचामढ़ी और महादेव हिल्स इज़ द हाईएस्ट पीक। अब इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़, ये याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। धूपगढ़ महादेव हिल्स में, हिल्स का नाम याद रखना है, महादेव धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है। अमरकंटा भी ठीक है, इसी के पास है। अमरकंटा इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पीक, यहाँ क्या है, नर्मदा ओरिजिनेट करती है यहाँ पे। तो ये वाले इंपॉर्टेंट है कुछ, देख लेना नाम, अमरकंटा धूपगढ़ ठीक है, महादेव हिल्स बेतुल। चलते हैं आगे फिर, ये आपका दोबारा आ गया, पोजीशनिंग देख लो, ये आपकी सतपुरा रिवर, सतपुरा वैली जा रही है ठीक है, ये रामगढ़ हिल्स को पहुँचती है। तो यहीं पे आपका फिर यहाँ पे आ जाती है आपकी हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक आप देख लीजिए। आगे चलते हैं फिर, इसमें और तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आगे, ठीक है, इतना ही था सतपुरा के बारे में। अब आते हैं वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। दे फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन टेबल लैंड, नाउ रन फ्रॉम तापी वैली। अब बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के एक्सटेंशन बता रहे हैं, ठीक है, ताप्ती की जो वैली है वहाँ से है, कहाँ, नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी तक। द वेस्टर्न घाट्स आर स्टीप साइडेड टेरेस्ड फ्लैट टॉप हिल्स प्रेजेंटिंग अ स्टीप टोपोग्राफी फेसिंग द अरेबियन सी। स्टीप साइडेड मतलब एकदम चढ़ाई तिखी है उनकी, ठीक है, ऐसे मतलब स्लांट्स में नहीं है, एकदम हाई हाई उसमें है टिल्ट में। दिस इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टली बेडेड लावा विच ऑन वेदरिंग हैज़ गिवन अ करेक्टरिस्टिक लैंडिंग स्टेयर एस्पेक्ट। अभी बेसिकली फॉर्म क्या हुआ है, लावा की वजह से, आपको पता होगा डेक्कन ट्रैप सारा ये अपना लावा फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। तो ये कौन सी जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है, कौन सी इरप्शन होती है जिससे स्ट्रेटस लेयर बनती है, मतलब लेयर फॉर्मेशन होती है लावा की। तीन टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन होती है ना आपकी, तो उसमें से कौन, एक तो कन्वर्जेंस जोन होती है, एक डाइवर्जेंस होती है, और थर्ड वाली एक और होती है उस जिससे लेयर्स बनती है, वो आप एक तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। बेसिकली उसका भी एक वो एक रिजल्टिंग फैक्टर है जिसके करके स्टीप साइडेड बनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिलहाल द वेस्टर्न घाट्स एब्रप्टली राइज एज अ शियर वॉल टू एन एवरेज एलिवेशन। ये याद नहीं रखना आपको कितनी एलिवेशन है उसकी, बस ये याद रखना कि स्टीप है, ठीक है, ये उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रॉपर्टी है कि स्टीप वॉल्स हैं। बट दे स्लोप जेंटली ऑन देयर ईस्टर्न फ्लैंक एंड हार्डली अपीयर टू बी माउंटेन व्हेन व्यूड फ्रॉम द डेक्कन टेबल एंड। तो बेसिकली जो कोस्टल लाइन है उसके पास तो एकदम स्टीप है, बट जो अंदर से डेक्कन ट्रैप की तरफ से देखे तो वो इस तरह रीजन है, ठीक है ना, तो इसलिए काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। नो साउथ ऑफ मालाबार नीलगिरीज अनमलाई आर प्रेजेंट हेयर। आगे चलते हैं फिर, अब ये आ गया आपके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब इसमें तीन पासिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे, थल घाट ठीक है, भोर घाट, और तीसरा कौन सा था, पाल घाट, ठीक है। अब आप तीनों एक बार लिखिए कौन कौन से किस किस को कनेक्ट करता है, ठीक है, भोर कौन से को करता है, थल किस को करता है, और पाल किसको करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रही होगी नीलगिरी हिल, तो नीलगिरी हिल बताइए आप कौन सी स्टेट में पड़ती है, केरला में पड़ती है, तमिलनाडु में, और नीलगिरी हिल फेमस किस चीज़ के लिए हैं। अब आते हैं वेस्टर्न घाट, सब बेसिक रीजन ये है, देखो वेस्टर्न घाट तीन पार्ट में सेग्रीगेटेड है, ठीक है, नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सह्याद्री एंड सदर्न सेक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं इसके बारे में क्यों। जो नॉर्दर्न सेक्शन है वो नॉर्मल है, ठीक है, तापी वैली से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, डेक्कन लावा गोवा तक है आपके। उसके बाद कालासुबी नियर इगातपुरी सलहार नॉर्थ ऑफ नासिक महाबलेश्वर एंड आर इम्पॉर्टेंट पीक। से कुछ इंपॉर्टेंट पीक है महाबलेश्वर, ठीक है, हरिश्चंद्रगढ़ और कालासुबी। जो महाबलेश्वर है इसको वो भुवनेश्वर के उसमें कन्फ्यूज मत कर जाना, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, महाबलेश्वर अलग है, भुवनेश्वर अलग है ना। तो हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर और कालासुबी ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं आपके वेस्टर्न घाट्स की ऊपर। थल घाट एंड भोर घाट आर इम्पॉर्टेंट पासेज विच प्रोवाइड पैसेज बाई रोड एंड रेलवे इन द वेस्ट। अच्छा, आपके नीचे कोस्ट पड़ती हैं, ठीक है, ये जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, ये केरला आ जाता है यहाँ पे, यहाँ कर्नाटका, गोवा, यहाँ आता है आपका महाराष्ट्र। तो बेसिकली कोस्ट के नाम है कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, तो इन दोनों में याद रख लीजिए। अब इसकी जो महाराष्ट्र कोस्ट और गोवा कोस्ट है, ठीक है, यहाँ तक की, ये तो आपकी कोंकण और इससे नीचे सारी मालाबार। तो कोस्ट के नाम में कन्फ्यूजन मत होना, अगर बाय चांस कोंकण लिखते हैं तो समझ जाना रीजन कौन सा पड़ता है, आपको कोस्ट से पता चल जाना चाहिए कौन सा रीजन है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
आगे चलते हैं। ये आप देख लो आपकी 3 डिविजन्स हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न वेस्टर्न घाट की। मिडल सहाद्री पे आते हैं, ठीक है। ये 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से, बेसिकली अब उसका गोवा से एक तरह से लगा लो, नीलगिरी हिल तक जाती है, ठीक है। दिस पार्ट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड जिनीस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किस चीज़ के हैं, ग्रेनाइट एंड गनीस, उसके एक तरह से कोर प्रोडक्शन ही वहीं है, ठीक है, सारी मतलब एक तरह से आपका प्रोवाइडर है उसके। दिस एरिया इज़ कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। द वेस्टर्न, अब ये रीजन इधर इतना ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे सीधा भाई मानसून आते हैं, मुंबई इसी रीजन के पास पड़ता है, ठीक है, पुणे आपका इधर ही पड़ता है सारा, तो यहाँ फॉरेस्ट कवर बहुत है। द वेस्टर्न स्क्रैप इज़ कंसिडरेबली डायसेक्टेड बाय द हेडवर्ड इरोजन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स। नाउ द वावुल मला, द कुदेरमुख एंड द पाचगिरी आर इम्पॉर्टेंट पीक्स। अब इम्पॉर्टेंट पीक्स कौन सी आपकी, वावुल मला, कुदेरमुख और पाशापगिरी। अभी कुदेरमुख है आपको मैंने पिछली बार नेशनल पार्क कराया था, अरे कौन सी स्टेट में है ये आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। द नीलगिरी हिल्स विच जॉइन द सहाद्री नियर द ट्राई जंक्शन राइज अब्रप्टली टू द ओवर। दे मार्क द जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स विद ईस्टर्न घाट्स। द डोडा बेटा एंड मकुर्ती आर इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ दिस एरिया। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, ठीक है। जो अगर सेंटर के आप साउदर्न पार्ट के, द साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सहाद्री रेंज बाय पाल घाट। तो पाल घाट जो सेंट्रल और साउदर्न उसको सेपरेट करता है, ठीक है, ये पास बना हुआ है। अब ये पाल घाट अब आपका किस रीजन को वो करता है सेग्रीगेट, मतलब कनेक्ट, सॉरी, किसको करता है लिखिए उसमें कमेंट सेक्शन में। वैसे अब बता ही देता हूँ मैं, केरला और उसको करता है तमिलनाडु को, कौन सा आपका कोचिन और कार्डमम हिल्स, है ना। तो अन्नामलाई रीजन आपका, अन्नामलाई उसमें रेंज में पड़ता है ये, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं याद रखने वाला, इतना ही था। अब आते हैं ईस्टर्न घाट्स के ऊपर वापस। तो वो ईस्टर्न घाट्स हैं, इट इज़ अ चेन ऑफ हाईली ब्रोकन एंड डिटैच हिल्स। सो बेसिकली मेजर बात यह है कि जो जैसे वेस्टर्न हिल्स है, वो जो वेस्टर्न घाट्स है वो तो आपके सारे इस तरह हैं, मतलब कंटिन्यूस हैं, बट जो ईस्टर्न घाट्स हैं ना वो ऐसे ब्रेक है, ठीक है, इस तरह एक पीक होगी फिर इस तरह प्लेन हो गया फिर एक पीक आ गया ऐसे। तो बेसिकली इस करके ना इसे इंडिविजुअल माउंटेंस ही कंसिडर किया जाता है इनको, इसमें जितने हैं, तो बेसिकली एक प्रॉपर रेंज नहीं फॉर्म हो पाती इसमें, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में इतनी है। द पार्ट कंप्राइज द मलैया एंड मधुगुला कोंडा रेंजेस। द पीक एंड द रिजेस ऑफ द मलैया रेंज हैज अ जनरल इवेल्यूएशन ऑफ। तो ये वाला इतना कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, इस पे आता है। द ईस्टर्न घाट्स रीअपीयर एज कॉन्टिन्यूस हिल रेंज इन कुडप्पा एंड कुर्नौल। बस ये याद रखना है, अब इसे नल्ला मलाई कहने लग जाते हैं, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आते ही आपकी ईस्टर्न घाट्स का नाम नल्ला मलाई पड़ जाता है, ठीक है। नल्ला से याद रखना, क्यों भाई, क्योंकि इनके हिल रेंजेस तो कॉन्टिन्यूस है नहीं, तो हिल रेंजेस के नाम पर कलंक है ये, तो फिर इसका नाम रख दें नल्ला मलाई। और आंध्र प्रदेश से नीचे आने के बाद बोला मैंने, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से नीचे आपका क्या पड़ता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सारी क्या बताई थी, मलाई, है ना, तो वहाँ से याद रखना नल्ला मलाई ईस्टर्न घाट्स। द साउदर्न पार्ट ऑफ द रेंज इज़ कॉल्ड द पालकोडना रेंज, ठीक है। अब ये जो नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है, द साउथ द हिल्स एंड द प्लेटूज अटेन वेरी लो अल्टीट्यूड, जावदी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, इनके डिस्टिंक्ट फीचर है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं यहाँ पे, जावदी और शेवरॉय, तो याद कर लेना। आगे बिलगिरिस रंगन हिल्स इन द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट अटेन हाइट ऑफ इतना। फर्दर द ईस्टर्न घाट्स मर्ज विद द वेस्टर्न घाट्स। फिर नीचे आगे केरला और ये जो तमिलनाडु का जंक्शन है वहाँ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके ईस्टर्न हिल्स आ गए, इसमें आप देख सकते हैं उड़ीसा से स्टार्ट होते हैं और कहाँ, तमिलनाडु पे ख़त्म होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। सो वैसे तो आपको पता लगेगा होगा, बट एक बार फिर भी गो थ्रू हो जाते हैं। बेसिकली वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड एंड मार्क्ड द वेस्टर्न एज, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स ईस्ट साइड पर पड़ते हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट है वो ज़्यादा है और जो ईस्टर्न घाट्स की हाइट है वो कम है, और जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी हाइट इंक्रीज करती है नॉर्थ टू साउथ में, मतलब आप ऐसे नीचे को जाओगे तो उनकी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। द हाइट ऑफ पीक्स इंक्लूड महेंद्रगिरी एंड जावदी हिल्स। तो
तो बेसिकली बात यह है कि जो इसमें बस ये बताया कि इनके हाईएस्ट रेंज कौन से, महादेवी और जावदी, उसके अन्नाई मुड़ी और डोडा बेटा। द वेस्टर्न घाट इनक्लोज अ नैरो स्ट्रिप बिटवीन इट्स वेस्टर्न स्लोप एंड अरेबियन सी विच इज़ कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द ईस्टर्न घाट ऑल्सो इनक्लोज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन इट्स ईस्टर्न स्लोप्स एंड द बे ऑफ बंगाल विच इज़ नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट इज़ वाइडर दैन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो जो ऐसा रहता है जैसे आपका पेनिनसुला स्टार्ट होता है, पहले जितना रीजन है वो सारा प्लेन है, फिर एकदम ये आके इस तरह हाइट पकड़ते हैं। तो ये वो रीजन है जैसे जहाँ मुंबई वगैरह आपकी जो गोवा वगैरह स्टेटेड सिचुएटेड है ना, वो इस प्लेन रीजन में पड़ जाती है, मेजरली बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपकी पीक स्टार्ट हो जाती है, जैसे आपने पुणे वगैरह में सुना होगा वहाँ पर इतनी वो पीक्स वगैरह है, माउंटेन रेंजेस वगैरह। इसमें मेजर डिफरेंस याद क्या करना है, जो वेस्टर्न घाट्स की है वो छोटी होती हैं और जो ईस्टर्न घाट्स की है प्लेन रीजन वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आपका वेस्टर्न घाट है दे एक्सपीरियंस ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, मोस्टली इन समर बिकॉज मानसून डायरेक्ट हिट करता है उसको। जो आपका ईस्टर्न घाट्स है दे रिसीव रेन बोथ इन समर एंड विंटर, स्पेशली इन द विंटर थ्रू विंटर मानसून। अब इसमें समर में तो थोड़ी रेन आती आती है, जो जो आपने सुना होगा विंटर मानसून आता है जब सर्दियों के टाइम पे, तो वो इधर इसकी उससे इसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, लास्ट हेयर द सॉइल इज हाईली फर्टाइल, राइस स्पेसीज रबर फ्रूट्स लाइक कोकोनट कैशू नट्स एक्सेट्रा आर ग्रोन। आपने सुना ही होगा यहाँ पे लीचिंग सॉइल भी है। ठीक है, लीचिंग सॉइल आपको पता है रेड सॉइल होता है, सॉरी लेटराइट सॉइल होता है आपका लीचिंग वाला, तो वहाँ कैशू की प्लांटेशन हो जाती है। बाकी इधर इतनी वेस्टर्न रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी फर्टिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो बहुत एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है। बट जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पर इतना फर्टाइल नहीं है। ठीक है, वहाँ कोकोनट टबैको ये सब हो जाता है बट कैशू नट्स वहाँ नहीं है। आगे चलते हैं, अब एक बार वापस से गो थ्रू लेते हैं। अब एक बार आपने सारा देख लिया, ठीक है, सब आपको समझ आ गया होगा पोजीशनिंग वगैरह। पहले ये देख लेते हैं, अरावली की होगी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, विंध्या, सतपुरा, VS। ठीक है ना, अब बताओ विंध्या रेंज कहाँ कंटिन्यू होती है, कैमूर हिल्स में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, और इधर नदी कौन सी है जो ज्वाइन करती है गंगा को, ये जो जा रही है ये सोन। उसके बाद आपका क्या था, ये नर्मदा तापी, ये नर्मदा होगी, ये तापी होगी आपकी, नर्मदा का स्टार्टिंग पॉइंट कमेंट सेक्शन में लिखना, विंध्या का स्टार्टिंग पॉइंट वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। इसके बाद इधर आ जाते हैं, जो बेसिक मैंने आपको बताया था कि लास्ट में करवाएंगे। देखो मेजर इसमें आपको याद रखना है अरावली हिल्स हो गया, माउंट आबू और गुरु शिखर। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, महादेवो आपको पीक जो बताई थी मैंने, अब याद रखने के लिए महादेवो हिल रेंज आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अमरकंटक वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हरिश्चंद्र रेंज, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको नीचे आ जाना है फिर। ठीक है, दूधा बेटा आपकी एरी और अन्नामलाई हिल्स एरी, तो ये चीज़ याद रखना। हाईएस्ट पीक आपकी किसकी, वेस्टर्न घाट्स की। नीचे यहाँ पे ना अब ये जो सेक्शन है ना, ये एक तरह से नॉर्थ बन जाता है। यहाँ पे तीन रेंजेस अलग अलग निकलती है, एक ऊपर को, एक नॉर्थ की तरफ जो आपकी अन्नामलाई है वो नॉर्थ की तरफ निकल, सॉरी नीलगिरी से आपकी नॉर्थ की तरफ निकल जाती है। ये शेवरो हिल्स वाली जो है ये आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, और साउथ में आपकी कार्डमम हिल्स है। ठीक है, अब जो इसमें यह जो हिल्स हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंस वाले कौन से, एक तो नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है, नानामाला, उसके बाद जावदी, शेवरॉय, ठीक है, सिरीमुरी। बाकी एक बार आप इनका नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना लीजिएगा, खुद से याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अनाय मूडी और दोदा बेटा देख लीजिए, DA है, ठीक है, हमेशा। तो बेसिकली आपने देख लिया, पोजीशनिंग आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, होप यू लाइक द लेसन, आज वाले में इतना ही। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन का लेसन इतना था। टू वॉच आर वीडियोस मोर एंड हैव फन इन स्टडिंग, मज़ा आया आपको पढ़ने में, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।